नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। अगले आधे घंटे में होगी देश और दुनिया की हर अहम खबर, राज्यों की सुर्खियों और मौसम का भी जानेंगे हाल। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के ठिकानों पर सीबीआई का एक्शन, कई और जगहों पर छापेमारी। मामले की जांच के सिलसिले में एफआईआर दर्ज होने के बाद कार्रवाई। देश बनाने के लिए करनी पड़ती है कड़ी मेहनत। हर घर जल उत्सव कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री का संबोधन, हर घर नल से जल पहुंचाने के अभियान को मिली बड़ी सफलता। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, भारी बारिश के बीच कई तटीय जिलों में हाई अलर्ट, मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह, राजस्थान में फिर से भारी बारिश का पूर्वानुमान। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कवायद, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख और तुर्की के राष्ट्रपति ने की वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात, खार्किव पर रूस का भीषण हमला। और देश भर में जन्माष्टमी पर हर्षोल्लास, मंदिरों में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। स्वच्छ भारत अभियान में देश ने एक और उपलब्धि हासिल की है। अब 1,00,000 से अधिक ODF प्लस गांव हो गए हैं। ये स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। नोएडा एयरपोर्ट को IGI हवाई अड्डे से जोड़ने संबंधी मेट्रो परियोजना पर DMRC ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सौंप दी है। दूसरे चरण के तहत नॉलेज पार्क 2 से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच मेट्रो शुरू करने की योजना है। देश में एक दिन में कोरोना के 15,754 नए मामले सामने आए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,01,830 पर पहुंच गई है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 209,27,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों में 31,52,000 से अधिक टीके लगाए गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिल्ली से मोहम्मद यासीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि वो आतंकी संगठनों, लश्कर और अल बद्र के फंडिंग से जुड़े हवाला कारोबार में एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच सोने और चांदी के दाम में गिरावट आई है। सोना 389 रुपए टूटकर 51,995 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। इस दौरान चांदी की कीमत भी 1,607 रुपए लुढ़ककर 56,247 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। उत्तरी कैलिफोर्निया में स्थानीय हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश करते समय दो विमानों के बीच टक्कर हो गई, जिससे विमान में सवार 3 लोगों में से 2 की मौत हो गई। ऑस्ट्रिया में आए भीषण तूफान से 2 बच्चियों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन ने बच्चों की मौत को एक भीषण त्रासदी करार दिया। KR प्रज्ञानानंदा ने FTX क्रिप्टो कप शतरंज में दुनिया के 6 नंबर के खिलाड़ी लिवोन आरोनियम को हराकर लगातार 4th जीत दर्ज की। प्रज्ञानानंदा अब 12 अंक लेकर दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के साथ शीर्ष पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने भी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। अब खबरें विस्तार से। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक प्राथमिकी दर्ज करने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और IAS अधिकारी आरव गोपी कृष्ण के परिसर समेत दिल्ली NCR में 21 स्थानों पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान सीबीआई के दल 21 स्थानों पर पहुंचे, जिसमें मनीष सिसोदिया और AGM UT काडर के 2012 बैच के IAS अधिकारी और पूर्व आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्ण सहित 4 लोक सेवकों के परिसर शामिल हैं।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी। दिल्ली का शिक्षा मॉडल आपसे रुकने वाला नहीं है, स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला नहीं है। पहले भी आपने सैकड़ों प्रयास किए हैं, अब भी कर लीजिए। पहले भी आपने मुख्यमंत्री के दफ्तर पर सीबीआई का छापा मारा है, क्या निकला आज तक? कुछ नहीं निकला। मनीष सिसोदिया पे सीबीआई का छापा मार चुके हैं, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। सारी फाइलों पर साइन मनीष सिसोदिया के होंगे तो जेल कौन जाएगा जिसके साइन होंगे? तो अरविंद केजरीवाल इतना मास्टरमाइंड आदमी है कि वो कहीं साइन नहीं करता है क्योंकि कोई विभाग उसके पास नहीं है। तो जहां भ्रष्टाचार होगा पैसा अरविंद केजरीवाल के पास जाएगा, मगर जेल उसका मंत्री जाएगा। ताकि मैं मंत्रियों को निकाल कर कहूंगा, देखिए मैं ईमानदार। यही नहीं, ये सिर्फ लिकर वाला मामला या स्कूलों में जो कमरे बनाए उसके धांधली का मामला, ये टीचरों में रिक्रूटमेंट का मामला, सिविल डिफेंस में रिक्रूटमेंट का मामला, कॉन्ट्रैक्ट का मामला, जिसमें भी आप देखेंगे, अगर आप इसमें गहराई में जाएंगे तो एक नहीं 10-10 सीबीआई की रेट पढ़नी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने के अभियान को एक बड़ी सफलता करार दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार देश बनाने के प्रयासों के तहत वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का लगातार समाधान कर रही है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने वाला गोवा देश का पहला राज्य बना है। इस अवसर पर आयोजित हर घर जल उत्सव कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार बनाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी कड़ी मेहनत देश बनाने के लिए करनी पड़ती है। कैच द रेन हो, अटल भूजल योजना हो, देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण हो, नदियों को जोड़ना हो या फिर जल जीवन मिशन, इन सबका लक्ष्य है देश के जन जन को जल सुरक्षा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल जीवन अभियान सिर्फ सरकारी स्कीम नहीं है बल्कि ये समुदाय द्वारा समुदाय के लिए चलाई जा रही योजना है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन की सफलता की वजह उसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। जल जीवन मिशन की सफलता की वजह उसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, जन भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन। दूसरा, साझेदारी, हर स्टेक होल्डर की पार्टनरशिप। तीसरा, राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल। और चौथा, संसाधनों का पूरा इस्तेमाल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता अखिलेश सुमन। अखिलेश, प्रधानमंत्री ने जनशक्ति, नारी शक्ति और प्रौद्योगिकी की शक्ति को जल जीवन मिशन की सफलता का कारक बताया। वहीं उन्होंने देश की एक और उपलब्धि स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र भी किया। अखिलेश, ये बताएं कि जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान की सफलता से देश को क्या कुछ हासिल हुआ है और देश कैसे मजबूत हो रहा है? देखिए शालिनी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को एक बात कही, उन्होंने कहा कि 16 अगस्त से पूरा देश जो है वो अमृत काल में प्रवेश कर रहा है और अमृत काल को उन्होंने परिभाषित किया कि अगले 25 साल में भारत को विकसित राष्ट्र बनना है। तो विकसित राष्ट्र अगर बनना है तो ये जो छोटे सवाल हैं, जो गाँव के स्तर के सवाल हैं, जहाँ की आपके पास शौचालय नहीं है, जहाँ की आपको पीने का पानी, स्वच्छ पानी नहीं है, तो इन समस्याओं को दूर किए बिना आप विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। और इसीलिए जल शक्ति मंत्रालय जो है उसके आंकड़े को मुताबिक देखिए, पिछले 7 साल में 7 करोड़ जो है घरों को जोड़ा गया है हर घर नल के माध्यम से। हर घर में इतने 7 करोड़ घर में पानी सीधे से आ रहा है और उसके
पाले, 2014 के पाले 3 करोड़ घरों में पानी जा रहा था, तो अभी 10 करोड़ घरों में सीधे नल का पानी जा रहा है। और आंकड़ों के मुताबिक 16 करोड़ जो है हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनको कि सीधे नल के पानी की जरूरत है, तो 6 करोड़ की चुनौती है जिस पर सरकार लगातार काम कर रही है। उसके अलावा जो ODF हुआ, जो डिफेकेशन ओपन डिफेकेशन फ्री जो हुआ, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बोल रहे थे कि शौचालय की जो समस्या है उसे दूर करना है, तो 1 लाख जो गांव है उनमें शौचालय की समस्या दूर कर दी गई है, 1 लाख गांव में घोषित कर दिया गया कि पूरा गांव शौचालय मुक्त हो गया, और 6.5 लाख करीब गाँव है, तो यह भी एक बड़ा लक्ष्य है। तो ये जो है ये पूरी चीज जो है 2 रूप में पूरे समाज को प्रभावित करती है। एक जो महिलाओं का सशक्तिकरण है जिसके बारे में प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी के बिना देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता, तो महिलाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि उन्हें पानी की लेने के लिए मीलों कई बार दूर जाना पड़ता था, और शौचालय की समस्या उनके लिए बहुत भारी समस्या थी। तो ये दोनों पर लगातार काम हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि यह जो ये जो बुनियादी मामले हैं इन बुनियादी मामलों को हल किए बिना आप विकसित राष्ट्र बनने की कल्पना नहीं कर सकते, और उसी दिशा में ये प्रयास है। और जो गोवा को आपने बोला एक राज्य के रूप में, गोवा पहले श्रेणी में आया है, उसके अलावा दादर नगर हवेली और दमन और दीव जो है वो यूनियन टेरिटरी के रूप में पहला ऐसा बना है जो जहां की हर घर जल पहुंच रहा है, लेकिन पूरे देश में इस पर काम हो रहा है। और जो विशेषज्ञों का कहना है कि इस समस्या को दूर करने के बाद स्वास्थ्य की जो प्राथमिक समस्याएं हैं वो स्वास्थ्य की प्राथमिक समस्याएं दूर होगी, क्योंकि स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याएं जो है वो गंदे जल। जी अखिलेश, धन्यवाद इस जानकारी के लिए, और उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य की समस्याओं के साथ ही एक हमारे देश का जो ग्रामीण भारत है, ग्रामीण भारत सशक्त हो और देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर आगे कदम बढ़ाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बढ़ते आगे और बात करते हैं मणिपुर की। 2 दिवसीय मणिपुर दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य बलों से मुलाकात की और असम राइफल्स की भूमिका की सराहना की। असम राइफल्स और सेना की 57वीं माउंटेन डिवीजन के जवानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपना अनुभव भी साझा किया और कहा कि असम राइफल्स कई लोगों को मुख्यधारा में लाने में अहम भूमिका निभाता है और इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी कहना उचित है। रक्षा मंत्री ने रेड शील्ड डिवीजन की स्थापना के बाद से ही 1971 के युद्ध, श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की भूमिका और वर्तमान भूमिका में इसके योगदान की सराहना की। असम राइफल्स के महानिरीक्षक के मुख्यालय के दौरे के समय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी रक्षा मंत्री के साथ मौजूद थे। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, धर्म और दायित्व तो हमारा है, देश की सुरक्षा का है, कोई रंग नहीं, सभी एक रंग में रंगे हुए हैं, यह स्थिति है। और 57 माउंटेन डिवीजन की बात तो अलग है, और मुझे बताया गया कि पिछले 5 दशक में श्रीलंका में भी 57 माउंटेन डिवीजन के लोगों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, और आप लोगों ने 71 वार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर डालेंगे नजर, आप बने रहिए हमारे साथ। India became free 75 years ago. We all know we have fundamental rights. But do you know that we also have fundamental duties? The duty towards our nation. To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. Jai Hind. आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के लाल किले में नेताजी संग्रहालय में INA के मेजर ईश्वर लाल सिंह को श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के हर व्यक्ति से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए 5 संकल्प के साथ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का आह्वान किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में कविता संग्रह रमणी जौनसार के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस पर भाटापारा में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने समुदाय के लोगों को शपथ दिलाई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में ईटीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार बाकी वर्ग के कच्चे मुलाजिमों को भी पक्का करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के अवसर पर 2 साल के बाद दही हांडी का आयोजन किया गया है। इसमें लड़कियां भी हिस्सा ले रही हैं। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हो रहे इन आयोजनों में हर्षोल्लास नजर आया। ओडिशा सरकार ने कम दबाव वाले क्षेत्र के दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील होने के कारण राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होने के मद्देनजर तटीय जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। महानदी बेसिन क्षेत्र में फिर बारिश होने से पहले ही बाढ़ की मार झेल रहे क्षेत्रों में स्थिति और खराब हो गई है। बालासोर, भद्रक और मयूरभंज जिलों के कुछ हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान मिलने के बाद रेड अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के कारण नदियों में पानी बढ़ सकता है। संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में बाढ़ आने, मिट्टी धंसने और भूस्खलन होने की आशंका है, जिससे कुछ अति संवेदनशील सड़कों और मकानों को नुकसान पहुंच सकता है। केंद्रापड़ा, जगत सिंहपुर, कटक, ढेंकनाल और अंगुल समेत 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। हीराकुंड जलाशय में पानी की मात्रा सुबह 8 बजे 622.37 फुट थी, जबकि इसमें कुल 630 फुट पानी ही आ सकता है। ऐसे में प्रशासन सतर्क है। राज्य में आई बाढ़ से अभी तक 13 जिलों में 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। करीब 90,000 लोगों को 190 राहत शिविरों में पहुंचाया जा चुका है। बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश के तट पर बने कम दबाव के एक नए क्षेत्र के चलते राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश के तट पर एक और नया गहरा कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसके अब और तीव्र होकर गहरे दबाव में बदलने और अगले 1-2 दिनों में ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है। इसके असर से पूर्वी राजस्थान के कोटा और भरतपुर संभाग के जिलों में 20 अगस्त की रात से ही बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। यूक्रेन में करीब 6 महीने से जारी युद्ध को रोकने के मकसद से संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटारेस और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा कि वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी इस संबंध में चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकतर जिन भी मुद्दों पर चर्चा की गई उन पर क्रेमलिन की रजामंदी जरूरी है। रूस के यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई शुरू करने के बाद एर्दोआन पहली बार यूक्रेन यात्रा पर पहुंचे हैं और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटारेस दूसरी बार। इस यात्रा से युद्ध रोकने के संबंध में समग्र शांति की नहीं तो कम से कम विशिष्ट मुद्दों पर कुछ सफलता मिलने की उम्मीद थी। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन के पश्चिमी शहर लिवीव में आयोजित एक बैठक में नेताओं ने युद्ध के कैदियों के आदान प्रदान पर और यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को सुरक्षित बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के परमाणु ऊर्जा विशेषज्ञों की यात्रा की व्यवस्था करने को लेकर चर्चा की। तुर्की के राष्ट्रपति ने बैठक के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से युद्ध को समाप्त करने के लिए राजनयिक प्रयास जारी रखने का आग्रह किया। रूस के फरवरी में यूक्रेन पर हमला करने के बाद से हजारों लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1 करोड़ से अधिक यूक्रेन वासियों को अपने घर छोड़ने पड़े। यूक्रेन के खारकीव क्षेत्र पर रूसी मिसाइल हमलों में 17 लोगों की मौत हो गई है। वहीं रूस की सेना ने दावा किया है कि उसने खारकीव में विदेशी सैनिकों के एक अड्डे पर हमला किया जिसमें 90 लोग मारे गए। अब बात श्रीलंका की।
श्रीलंका की सत्तारूढ़ पार्टी ने राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से अपने पूर्ववर्ती गोटाबया राजपक्षे की वापसी सुगम बनाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना के महासचिव सागर करियावासम ने राष्ट्रपति विक्रमसिंघे के साथ हुई बैठक में ये अनुरोध किया। 9 जुलाई को हजारों लोगों ने पूर्व राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे के आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया था, जिसके बाद 73 वर्षीय राजपक्षे 13 जुलाई को देश छोड़कर चले गए थे। श्रीलंका के संविधान के अनुसार पूर्व राष्ट्रपतियों को विशेषाधिकार प्राप्त होता है और उन्हें सुरक्षा और कर्मचारियों के साथ एक कार्यालय की सुविधा का भी प्रावधान है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जन्माष्टमी के पावन अवसर पर देश विदेश में रह रहे सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर सहित हजारों मंदिरों को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया है। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने श्रद्धा और आस्था के इस पर्व पर लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना की। जन्माष्टमी के मौके पर देश विदेश में श्रद्धालु अपनी अपनी तरह से अपने आराध्य को खुश करने में जुटे हैं। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं ऐसी ही कुछ खास तस्वीरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। We'll be right back.